जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन लोगों से जो लोग मेंस एग्जामिनेशन देने जाएंगे, ठीक है, और जो आने वाले टाइम में मेंस एग्जामिनेशन देंगे। तो मेंस एग्जामिनेशन देने से पहले यानी परीक्षा हॉल की पूरी एक तरह से डिटेलिंग में करने वाला हूँ आप लोगों से, किस प्रकार से आपको हैंडल करना है, कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि आप थोड़ा सा पहले से यदि मालूम हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, उस समय ज्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहली बात, सर्दी का मौसम है, ये मान के चलिएगा कि आपके हाथ ठिठुर रहे होंगे। सर्दियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं और ये लगभग 15 से 20 दिन में सर्दियां जो है अपने चरम पर होंगी पूरी तरह से, आप सभी जानते हैं। तो इस बीच में हाथ को एक तरह से स्पीड बनाए रखना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो कुछ ऐसी चीज जरूर लेकर के जाइएगा जिससे हाथ आपका गर्म रह सके, ठीक है, किसी भी प्रकार से गर्म रह सके, चाहे आप कुछ भी उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको करना क्या है, जहां भी आपका सेंटर पड़ा है, चाहे वो दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, कहीं पर भी आपने सेंटर डाला है किसी भी क्षेत्र से, आप उस सेंटर पर एक दिन पहले जरूर पहुंच जाएं। और डेफिनेटली पहुंचेंगे और एक ऐसा रूम लें कहीं पर जहां पर क्या हो कि खाने की व्यवस्था हो, पहले से अच्छा खाना हो, अच्छा खाना मिलता हो, और हो सके तो अपने परिवार के किसी सदस्य को भी आप एक व्यक्ति को ले जा सकते हैं यदि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है बाहर निकलने की तो। ठीक है, वैसे तो होगी मुझे उम्मीद है। तो ये आपको क्या कर लेना है, खाने की बहुत अच्छे से व्यवस्था करनी है। हालांकि मौसम ऐसा है कि आप कुछ भी खा लोगे वो पच जाएगा, लेकिन लगभग 5 दिन आपका एग्जामिनेशन होता है, लगातार 2 पेपर होते हैं 6 घंटे, यानी कि 5 दिन में आपको 3 से 4 दिन तो आपको लिखना ही लिखना है टोटल। तो सोचिए कैसी सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पर ये नहीं बताने जा रहा मैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो तो सब कुछ आप कर ही चुके, जो हमारे पेड ग्रुप में है उनमें से कुछ लोग जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम मेड जी लेकर आया है हिंदी मीडियम वालों के लिए UPSC IAS PDF कोर्स। और ये कोर्स आपके 2021 में जो लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और ये कुछ बातें हैं जो मेरे बारे में हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा उससे रिलेटेड बातें इस व्हाट्सएप नंबर को लिख लीजिएगा आप, 90658 84 72 को। इसी पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही कॉल करिएगा। और आपको व्हाट्सएप पर ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा IAS 2021, आपको भारी एक तरह से छूट एक तरह से मिल रही है, इसका लाभ उठाइएगा। और भी अन्य लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से भी चाहेंगे तो छोटी छोटी सी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले से क्या करना है, अपना स्थान जो है डिसाइड कर लीजिएगा, ज़्यादा उजूल फजूल पढ़ने का बंद कर दीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मेंस एग्जामिनेशन है ये, इसमें बिल्कुल आपका, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर पहले ही दिखा दिया था कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या जरूरी है, कोई भी सुशिक्षित नागरिक, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है, आपको देश दुनिया की नॉलेज है, वो व्यक्ति मेंस एग्जामिनेशन लिख सकता है। और डेफिनेटली जिन्होंने ग्रेजुएशन सही से नहीं करी है, इसी वजह से कोचिंग वगैरह जो संस्थान वगैरह बनाए हुए हैं वहां पर आपको ये चीजें जो है कंप्लीट करा दी जाती है। आपने, मुझे उम्मीद है, कहीं पर टेस्ट सीरीज वगैरह लाई होगी, चाहे वो घर पर बैठ के हो, ठीक है, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके हो, कहीं से भी आपने टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर लगाई होंगी मेंस एग्जामिनेशन की, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। किस में मिलेगा, राइटिंग में, जो आपकी राइटिंग है। और हाँ, अब स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगा आप लोगों से कि किस प्रकार से परीक्षा हॉल में बैठना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, सीट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है वहां पर कभी कभी, हालांकि अच्छे स्कूल्स ही छांटे जाते हैं UPSC के द्वारा, UPSC हॉल में जिनका पड़ता है वो तो ठीक है, बेस्ट है, लेकिन अन्य स्कूलों में जिन लोगों का पड़ जाता है उनमें बैठने की प्रॉब्लम होती है। तो हो सके तो एक गद्दा ले लीजिएगा, गद्दी जैसी होती है वो ले लीजिएगा। ठीक है, काफी लोग लेकर के आते हैं, इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है। कंफर्ट कपड़े पहन के जाइएगा, नॉर्मल लोअर, ठीक है, लोअर अपना, ऊपर जैकेट वैकेट डाल के एकदम कंफर्ट रहो आप। ठीक है, और सर्दी का मौसम है तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, कंफर्ट रहे, यानी जींस वींस इस टाइप की चीजें, यानी कंफर्ट नहीं होते हो आप लिखने में तो ये सब छोड़ दीजिएगा। शूज भी ऐसे लीजिएगा जो कंफर्ट वाले हों, ठीक है, वो नहीं हो ऑफिशियल वाले, दिखाना नहीं है अभी जाकर के वहां पर कि आप IAS हो, ठीक है, अभी नहीं हो, अभी केवल मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है, ये मान के चलिएगा। दूसरी बात आपको करना क्या है कि दफ्ती ले लीजिएगा, एक दफ्ती होती है ना, क्लिप, जो होता है क्लिप, ठीक है, वो ले लीजिएगा, जिससे बाई चांस आपकी सीट्स आगे की खराब मिले तो उस पर लिखने में थोड़ी सी आसानी रहे और ऊपर नीचे कैसे भी आरामदायक रूप से आप लिख सको उस पर, क्योंकि सीट्स पर आपको ऐसे लिखना होगा सीट्स पर, और यदि आपके पास वो दफ्ती होगी तो उसको आप ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, लगभग आपको
लिखने के लिए दोस्तों 7.5 मिनट का टाइम मिलता है, ऐसा लगता है उस समय जैसे आपकी 7.5 ही शुरू हो रही हो, ठीक है। हर क्वेश्चन की 7.5 ही के रूप में आपको होता है ना, जैसे शनि की 7.5 ही बोला जाता है, एक मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, ऐसा आपको महसूस होता है। यानी कि आपने जो कुछ भी अब तक पढ़ा है, जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं, दूसरी बार वालों को तो समझ में आ जाएंगी ये चीजें, लेकिन पहली बार वालों को क्या होगा, बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आने हैं, किसी भी हालत में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है 8 मिनट। 8 मिनट से ज्यादा टाइम मत दीजिएगा किसी भी प्रश्न को, जल्दी से पढ़िए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से आप घर पर लिखते हो, टेस्ट सीरीज में लिखते हो, इस प्रकार से आपका दिमाग बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है वहां पर बैठ करके, वो सिचुएशन अलग होती है। ये समझ लीजिए कि अब तक आप क्या करते आ रहे थे, जमीनी स्तर से परिचित थे, अब आपको आसमान की चीजें दिखाई देंगी वहां पर, आपका अपना माइंड जो है खो जाएगा, कॉन्शियस माइंड आपका खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, अनकॉन्शियस माइंड में रहकर के आप क्वेश्चन पेपर लिखोगे। जो टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, ये भी बता नहीं पाते एक्चुअल में उन्होंने वहां पर जाकर लिखा गया, टेस्ट सीरीज एक अलग पार्ट होता है, यूपीएससी का पेपर अलग पार्ट होता है, वहां पर सब कुछ गुल हो जाता है, ये बत्ती गुल हो जाती है। कुछ प्रश्न आपको आएंगे, लगभग 30% जो है प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, इसी वजह से तो कम नंबर आते हैं, क्योंकि प्रश्न नहीं आते हैं, लोग नहीं लिख करके आते हैं, ठीक है। लिख करके भी आएंगे तो कैसे लिख कर आएंगे, इसी वजह से तो एग्जामिनर कितना नंबर देता है, 50% पर टॉपर हो जाता है, यही कारण है ना। तो आपको करना क्या है, अटेम्प्ट सारे करने हैं, प्रत्येक प्रश्न को बराबर बराबर हिस्सा देना है, ठीक है। 7.5, 8, 9 मिनट ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देना है आपको। मुश्किल से 3 से 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। छोटा सा एक प्रस्तावना लिखिए, प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद मुख्य उत्तर लिखना है, उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। ये 3 फॉर्मेट आपको अपनाने होंगे। यदि 3 ये फॉर्मेट आपने अपना दिए और 2-3 पॉइंट आपने मुख्य रूप से लिख दिए, तो आपका इंटरव्यू कॉल 100% होता है दोस्तों। इंटरव्यू कॉल केवल उन लोगों का नहीं होता है जिन्हें ये फॉर्मेट ही नहीं पता रहता है, जो पहली बार जाते हैं ना, उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ऐसी ली होती ना, उन्हें कभी बताता इस चीज की। प्रस्तावना, मुख्य उत्तर और निष्कर्ष, ठीक है। प्रस्तावना के अंदर जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको थोड़ा सा जैसे शब्द डिफाइन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए पूछा जाए आपसे कि नैनो ट्यूब्स के बारे में पूछा जाए, नैनो ट्यूब्स के उपयोग क्या है वर्तमान समय में, इस प्रकार से पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, उपयोग नहीं बता देने हैं, पहले प्रस्तावना में देना है कि नैनो ट्यूब्स होता क्या है, नैनो ट्यूब्स होता क्या है, उसमें 2 से 3 लाइन में आप बता दीजिए। बाकी के आप उपयोग के लिए मुख्य उत्तर पॉइंट्स आप लिख दोगे, 2-3-4 जितने भी आपको आते हैं उतने, उस समय दिमाग में जितने आ रहे हैं लिख डालिए, ठीक है। ज्यादा किताबी भाषाओं का बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, जितना आप अपना यूज करोगे, जो पहले चांस वाले हैं वो एक अच्छी बात है कि ज्यादा बुक्स का नहीं सारा लेते हैं, क्योंकि ले नहीं पाएंगे। जो अदर चांस वाले हैं, 2-3-4 चांस हो जाते हैं, वो ज्यादा बुकों का सारा ले लेते हैं, इस वजह से उनके नंबर डाउन आते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा बुक्स का साथ नहीं लेना है, कि बुक्स याद करके नहीं, जो आपके अंतर्मन से जो कुछ भी निकले उस समय, जो भी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट बना दोगे 2-3, और एक निष्कर्ष छोटा सा सकारात्मक, बैलेंस उत्तर आपको लिखा हुआ, संतुलित उत्तर। मैंने आपको बताया था कि मेंस एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आपको एक संतुलित उत्तर की जरूरत होती है दोस्तों, तो संतुलित उत्तर आपको जरूर लिखना है उसमें, ठीक है। संतुलित का मतलब ना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, ना पर निचले लेवल पर, बिल्कुल बैलेंस करके चलना। जैसे एक ब्यूरोक्रेट्स होता है, हर बात को क्या करेगा, एक संतुलन बना के रखता है ना, तो वही आपको उत्तर में झलकना चाहिए कहीं ना कहीं। और ये बिल्कुल आपने प्रैक्टिस करी होगी, ये चीज आ गई होगी, नहीं आई है तो अब भी आप 2-4 दिन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, 10-12 दिन कर सकते हो, 8 तारीख को आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हैं। दूसरी बात, इंग्लिश, हिंदी मीडियम के बालों से बात कर रहा हूँ, जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, मेंस एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी घबराए ना, ठीक है। आप बस पेपर पूरा करके आइएगा, पूरा करके आइएगा, जो भी आपके प्रिसाइज वगैरह है 1/3 करने के लिए नहीं आ रहा है समझ में, तो बिल्कुल बस उसी में से जितना जितना आपको दिया गया ना, उसी में से बीच बीच में से काट कूट के मतलब 1/3 कर दीजिएगा, ठीक है। आप निबंध जो है कुछ भी आप ऐसा एक सोच करके जाइए, उसको वहां पर उतार दीजिएगा, ठीक है। एक तो आ जाएगा ना, 4 निबंध में से एक तो आ ही जाएगा, तो कुछ कुछ चीजें यदि आप कर जाओगे, और नहीं भी आता तब भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आंसर छांटने वाला आता है, ठीक है, उसे भी कर दोगे तब भी आपका हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि लगभग 100 के आसपास नॉर्मली आ जाते हैं, 75 से ऊपर तो आ ही जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी स्तर पर। निबंध के लिए क्या करना है आपको, मैं टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ, यानी कि पेपर वाइज निबंध के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना होता है वहां पर ज्यादा। कुछ लोग बड़े निबंध के लिए क्या करेंगे, कोचिंग संस्थान लगा रखे हैं, उन्होंने नोट्स बना रखे हैं, वो कुछ काम नहीं आएंगे दोस्तों। जब आप लिखने बैठोगे ना रियल में, एक यहाँ पर बैठते हो
टेस्ट सीरीज में, तो आपको क्या लगता है कि आपको याद किया हुआ, वहां पर इतना टाइम नहीं होता कि आप याद किया हुआ कुछ लिखें, आपके दिमाग में जो चीज फीड है बस वही आती जाती हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जो भी चीज आ रही है काटना मत कोई भी चीज, जो पहली बार में जो चीज आई है आपको जरूर लगेगा कि यार ये मुझसे अच्छा ही लिखा गया, लेकिन काटना नहीं है, वही आपको नंबर देके जाएगा दोस्तों। यदि आप काट करके लिखोगे तो आपके नंबर जरूर कटते हैं, कटते के कहने का तात्पर्य है दोबारा से चीज बेहतर बनाने के चक्कर में आप गड़बड़ा जाओगे। तो जो भी रिदम आ रहा है, रिलेट करके आ रहा है, कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। यदि आपके उत्तर में कुछ नयापन है निबंध के अंदर तो आपको डेफिनेटली ज्यादा नंबर मिलते हैं, नयापन नहीं है तो वही एवरेज 100 के आसपास रह जाएंगे, वरना अच्छा लिख जाते हो तो 120, 130, 40, 50, 60 तक भी आप लोग पहुंच सकते हो, जितना आप एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डिनरी चीजें आप करोगे। लेकिन वो किससे होगा, किसी याद की हुई चीज से नहीं, कोई एक ऐसा आइडिया उसमें आ जाए, एग्जामिनर को पसंद आ जाए, जो हाँ बिल्कुल लगे कि हाँ यार ये तो चीज अलग है, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो, धर्म से रिलेटेड कोई बात हो, या फिर आर्थिक रूप से कोई बात हो, ऐसी वो अच्छी लग गई तो नंबर डेफिनेटली वो वहां पर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी का पेपर चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे हिंदी मीडियम के हों, सभी को देना ही होता है। तो हिंदी के पेपर में तो मुझे लगा हिंदी मीडियम को तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, हाँ इंग्लिश मीडियम वालों में थोड़े से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में फेल भी कर जाते हैं, तो उसके लिए मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ चीज़ें कर रखी होंगी, हिंदी का न्यूज़पेपर वगैरह कुछ इस प्रकार की चीज़ें करके आप लिख दीजिएगा और हो जाएगा, इतनी हिंदी तो आती है, ठीक है। हिंदी के पेपर में फर्स्ट पेपर में कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो पेपर अब तक जो आ रहे हैं, मान लीजिए 20 प्रश्न आ रहे हैं, कभी कभी 25 आ जाते हैं, तो ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है 15 आ जाए, कोई कह नहीं सकता क्योंकि यूपीएससी डिसाइड नहीं करती है। तो सबसे पहले आपको पेपर देख लेना है कि पेपर के अंदर क्या पैटर्न है उसका, 15 क्वेश्चन का पैटर्न है, वैसे तो 20 ही आते हैं लगभग, कभी कभी 25 भी आ जाते हैं, तो 20 का ही मांगे चलिए, तो 20 के आधार पर आपको लेकर के चलना है, तो आगे पीछे इस तरह टाइम आप कर सकते हो। और अटेम्प्ट दोस्तों सारे के सारे करने होंगे फर्स्ट पेपर के अंदर, आपको ऐसा नहीं है कि बीच में जो सबसे पहले जो आ रहा है वो आपको करना है, ऐसा मत करिए दोस्तों, ऐसा मत करिए। आप डिसाइड करिए कि मुझे 7, 7.5, 8 मिनट मुझे एक प्रश्न को देने हैं बस, चाहे मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान के चलिए जो शुरुआती जो माइंड होता है, अच्छा यहां पर ये नहीं है कि कोई प्रश्न आप ज्यादा अच्छा लिख दोगे तो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर मिल जाएंगे, एक एवरेज नंबर कहीं ना कहीं लिए जाते हैं, तो जो भी अच्छा आ रहा है उसे पहले लिख दीजिए जो भी, और जो नहीं आ रहा है उसको भी पहले ही, यानी कि रिदम में लिखिए, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तो एक भी मत छोड़िए, सबको लिखते आइए। और मुझे उम्मीद है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो यार, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि जो चीज नहीं भी आ रही है उसमें से भी कुछ ना कुछ आप बनाओगे जरूर। आप मतलब गलत, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज आ गई साइंस रिलेटेड, तो कुछ नहीं तो आप साइंस रिलेटेड बातें कर दीजिएगा, वो टर्म नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आज सबको पता है नैनो टेक्नोलॉजी, लेकिन इसी प्रकार का कोई और शब्द आ गया नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, साइंस से रिलेटेड प्रस्तावना बना देनी है कि किस प्रकार साइंस से मानव व्यवहार में परिवर्तन लाया जा रहा है, इस प्रकार का बना दोगे ना तब भी आपको एक एवरेज, एक मिनिमम नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे यानी कि आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में क्या कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, वहां पर यही चीज देखी जाती है, तो छोड़ना एक भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको भारतीय समाज है, इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में से बड़े सिंपल सिंपल लिख करके आना है आपको, ऐसा नहीं है कि बुकों का याद करने के लिए बैठो आप याद कर रहे हो कि यार इस प्रश्न को मैंने कहाँ पर पढ़ा था, केडी राय यानी कि कृष्णदेव राय को मैंने पढ़ा था, उसमें क्या क्या चीजें थी, वो चीज नहीं चलती है। कृष्णदेव राय के बारे में आपने जो भी पढ़ा है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है, उससे रिलेट करके कोई चीज याद आ रही है, ठीक है, उस समय आ जाएगा वो दोस्तों। हमारा माइंड ऐसा है, प्रेशर के अंदर इतनी बेहतर चीज आती है, जैसे आप दौड़ते हो नॉर्मली और यदि आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी जो स्पीड आज आप दौड़ रहे हो उसके अनुसार, यानी आपकी मौत पर बना है तो आप तेजी से, इसी प्रकार से माइंड भी काम करता है। तो वहां पर ये चीज यहाँ पर सोच के ज्यादा मत जाइएगा, ठीक है, एक बार प्रश्न पूरे पढ़ लीजिएगा 20 और 20, ठीक है, और करते जाइएगा रेगुलर, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हों, ठीक है, आप चाहो तो रिवीजन कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मेंस एग्जामिनेशन में बैठ करके पहले लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाँ वो हाथ गर्म करने के लिए जरूर होगा, लेकिन घबराइएगा मत उनसे। कोई भी निकल करके आपसे कहेगा कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे तो इतने आ जाएंगे, आपको डिमोरलाइज करने का कोशिश करेगा, अरे तूने ये नहीं लिखा, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा उस बीच में,
डिमोरलाइज हो जाओगे, नंबर जो है कम आ रहे। ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां हैं आप सभी ने देखे ही हैं कि वो परीक्षा हॉल से निकलते ही रोए थे और बाद में उनके नंबर बहुत अच्छे आए। तो ये भी चांसेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। इतनी सारी कॉपीज हैं, कब किस एग्जामिनेशन का माइंड जो है किस पर टिक जाए, किसको अच्छे बेहतर नंबर मिल जाए, कोई नहीं कह सकता, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन तक आप श्योर और अनश्योर हो सकते हो पूरी तरह से, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में सभी लोग अनश्योर होते हैं, अनसिक्योर होते हैं पूरी तरह से कि होगा ही होगा और कितनी रैंक आएगी, ठीक है, ये कोई भी नहीं कह सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल अपने कूल माइंड रखिए, कूल तो है ही, सर्दियां पड़ रही हैं तो ऑटोमेटिक कूल ही रहेगा। तो ये एक अच्छा एडवांटेज आप लोगों को मिल रहा है, खाने पीने की ज्यादा कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है। 3 घंटे आपको बैठना है, तो जिन लोगों की थोड़ी पेट वेट में प्रॉब्लम रहती है उनको लिए कुछ थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। और माइंड थोड़ा सा थक जाए कोई दिक्कत नहीं, उस समय आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, ईश्वर आपको इतनी एनर्जी देगा कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब आपने एग्जामिनेशन लिख दिया है, ठीक है। लास्ट में आपके यहाँ पे पहले अब थोड़ा चेंज होता रहता है, जब हम मेंस दे देते तो उस समय चेंज नहीं था, उस समय एक रिदम होता था। आप पता नहीं पहले भी दे देते हैं कभी कभी मेंस एग्जामिनेशन, कभी कभी पहले ऑप्शनल, कभी कभी पहले। तो ऑप्शनल के लिए भी ज्यादा घबराना नहीं है कि आपको नहीं डेली रेगुलर पढ़ना है, आप बस को आपको क्या करना है ना, रिविजन करिए ना कुछ करिए, मैं रियल बता रहा हूँ। 5 दिन तक आप बस कूल माइंड रखिएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है हमारे साथ के थे और जो और भी थे लोग, कि जैसे ही एग्जामिनेशन हुआ 3-6 घंटे का एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद घर पर आकर रिवीजन कर रहे हैं कल के लिए। रिवीजन कुछ नहीं होता दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रकार से कुछ नहीं होता, यूपीएससी का जो पैटर्न है वो वही प्रकार का होता है। जैसे आप प्री देते हो ना, प्री में आप सब कुछ पढ़कर भी ब्लैंक हो जाते हो, जो चीजें याद रहती हैं वो आपने पहले से कर रखी होंगी, वही चीज आपके काम आती है। इसी प्रकार से इसका तुरंत कुछ पढ़ रहे हो वो ज्यादा काम नहीं आएगा, एक आध प्रश्न में आ भी गया तो कुछ फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपको अपना लिखना होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। 5 दिन तक अपने आपको रेस्ट देना है ज्यादा से ज्यादा, और बस एग्जामिनेशन लिखना है, खाना खाना है, रेस्ट देना है और एग्जामिनेशन लिखना है। ये नहीं कि आप कोशिश कर रहे हो बिल्कुल पहले से ही, ये बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। तो बिल्कुल अपना एग्जामिनेशन और बेहतर ढंग से दीजिएगा। कोई अगर कंसल्टेंसी चाहिए मुझसे तो आप कॉल कर लीजिएगा मुझे 9058-5874 पर। कोई घबराहट सी महसूस हो रही हो एग्जामिनेशन में जाने के लिए, या फिर कोई अदर प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो मुझसे आप बातचीत करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों तक जो लोग मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यूपीएससी का खासकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।